वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ नई कीमत 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 3 रुपए 35 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 114 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक ओग्रा ने पेट्रोल में 5 रुपए 52 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर महंगाई के मारे अवाम बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि वो अपनी कमाई घर लेकर जाएं या फिर पेट्रोल डलवाएं और उन्हें हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। खान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आवाम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान इस महंगाई का टोड़ को खत्म करें और यानी कि हमारे आवाम के साथ दें। बस उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, रहम करें आवाम पे, अपने आप पे, हम पे। क्या बोले सर इनके बारे में, हमारा तो जीना वैसे ही आराम है। घर पे जाओ तो गैस नहीं आती, सुबह शाम खाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। यहाँ पेट्रोल पंप पे आओ तो रोजाना खुशखबरी मिलती है। बंदा अपने घर चलाए, ये पेट्रोल लाले, ये अपना कारोबार देखे, क्या करे। मैं तो यही इमरान खान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहरबानी हम पर कर रहे हैं। जो चीज़ें बढ़ानी चाहिए वो बढ़ा नहीं रहे, गरीब बंदों की सैलरी बढ़ा नहीं रहे। पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए, बहुत होगी महंगाई, 2022 चढ़ गया है। खान साहब कुछ तो करो ख्याल मारा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल